Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha, and you're watching Beat Blaster. So, guys, Kalam Ink का latest song आया भाई, आज ही आया हुआ है. तो बाकी इसको हम play करते हैं. कलमकार और ग्रे बेस. अब पता नहीं नाम कौन सा है, एल्बम का नाम है कलमकार या गाने का नाम है ग्रे बेस भी लिखा हुआ है. सो बाकी सॉन्ग सुनते हैं भाई, इसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. अभी तक हमने दो ही रिएक्शन करे हैं सिर्फ कलमकार के सॉन्ग, कलमिंग के सॉन्ग पर. सो तीसरा हमें पहली बार कोई लेने आया है गाइस. कलमकार खुदा से पूछता औकात हूँ, रोज अंधेरे में मैं ढूंढू रोशनी. या लेगी मुझे खुद वो खोज, जरा तो होश में सोच. बाप दिल से खिला रहा या मैं बाप पे बोझ. ये 22 साल उम्र लड़का कर रहा बिल्स पे. ये गाने जैसे धोखा जानी सीधा लगते दिल पे. ये टेक्निकल जो रैपर हैं तुम सबको ला दो सामने. इनके गाने नहीं चले तो फड़वे लगे लो भी छापने. ये चाहते मुझको गिराना पड़ता ही इनकी जमीनी में लंबा कूदा गेम में. ये जींस बक्स बनी की ये फेम पाते बीफ से फिर कहते सुनते घीता भी. कुछ रैपर मेरे आइडल थे अब शर्म इनसे सीखा की. मैं दिल से लिखूं नगमे इन्हें टॉप नोच बार्स बोल्स. इनके खाने चले एड से मेरी ऑडियो मिली पार ब्रो. मैं खुद से आया सीन में ना चाटी तेरी तरह मैंने कांड ब्रो. को अपना बाप बोल. मैंने बचपन देखा सड़कों पे अब सड़के देखो गुजरती. जब बेटा करता नशा तो सोच माँ पे क्या गुजरती. जब माँ बोली कि बेटा इस दुनिया के जैसा बनना नहीं पर दुनिया देती काली माँ. तो माँ की चूत इस दुनिया. अब फ्लेक्स करूँ शूज ये खुद के पापा. छाती रखना चौड़ी जितना झुकना था झुक गए. अब घर पे कमरे छह हैं पर रहने वाले चार. माँ को लेबल्स का पता नहीं पर जानती कलमकार. या मैं ठग से छुदू मौत राइटिंग स्किल्स जैसे गॉड्स के साथ. लेबल्स का पता नहीं पर जानती कलमकार. या मैं ठग से छुदू मौत राइटिंग स्किल्स जैसे गॉड्स के साथ. से बढ़ रही है ऑप्स की के कलम कुछ ना बोलते. मैं खड़ी नहीं हूँ देखता क्योंकि वहाँ पे कांटे बहुत है. सिंहासन कंधों पे उठाया हुआ बैठूंगा एक दिन टॉप पे. और रोल पूरा डीएचएची होगा. इतना ज्यादा क्रेज होगा जितना सोचा भी नहीं होगा. माँ तेरे ना लायक छोटे बेटे का असला रखूंगा साथ में तब मैं नहीं कटा बोलेगा. बीवी काफी ऊपर हूँ और काफी मेरे नीचे है. मैं फीचर्स रहा बट मेरी क्रिसमस जो भी सीखे हैं कि कैसे लिखते बात अपने दिलों की इन पन्नों में. थोड़े साल और मुझे लेजेंड्स में तुम गिनोगे. और मैं फैंस ये वाली लाइन तुम्हारे लिए. शुक्रिया तुम सबका हाथ जोड़े हैं तुम्हारे लिए. तुम्हारी वजह से ही कलम है लॉयल फैन बेस. मेरा रैपरों को जलन है कि कैसे मारे मिली बिना प्रोमो. इसकी ऑडियो ने सेंट्रो थी पॉप पे और बेटे घूमे ऑडियो में मिली डील साइन. जिसने पैसे देखे कौड़ियों में माँ की छाती चौड़ी. उसने शेर पाले भेड़ियों में बांधा नहीं था बेड़ियों में. खून से हूँ दूर मैं पर जब खाने को कुछ नहीं तो खून करने पे मजबूर हूँ मैं. आज एक मिडिल क्लास बॉय शीशे नीचे कर ले गाड़ी के तो ट्रैफिक जैम होए. कितने फैंस काटे हाथ कितने छूना चाहते हैं. ये खुदा माने मुझको क्योंकि गाने गाते हैं. मैं गले लगूं इनके इनका पसीना भी प्यार है. एक मिडिल क्लास बॉय आपकी वजह से स्टार है. आई एम आउट फैंस. नेक्स्ट एल्बम का बता रहे होंगे भाई. बहुत अमेजिंग गाना था, बहुत अपनी लाइफ स्टोरी भी लिखी. सही बात है भाई, हम तो अब देख रहे हैं. और ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई एक अंडररेटेड आर्टिस्ट है. इनको बहुत ज्यादा ऊपर होना चाहिए भाई कलमिंग को. बट भाई गाना क्या मस्त भाई. लिरिकली बहुत बीट भी इनकी मस्त रहती है ना, कुछ ऐसी ड्रिल बीट सी. और दूसरी बात है कि भाई लिरिकली गाना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और मेरे ख्याल से ना एक बार ये अगर बिग बॉस में आ गए उसके बाद जैसे एमसी चैन का हुआ है ना कि भाई इतनी ज़्यादा तगड़ी फेम, वहीं पे भाई कलमी के साथ भी वही चीज़ होगी. और दूसरी बात ये है कि कुछ ना कुछ होएगा भाई. अगर बंदा इतनी मेहनत करता है वो चीज़ें होंगी. इतनी कमाल की भाई लाइनें करते हैं ना भाई, बहुत कमाल के लिरिक्स हैं भाई. ये हर एक चीज़ को जस्टिफाई करना इतने तगड़े तरीके के साथ. पहली बात ये कि अपनी अगर आप लाइफ के बारे में बता रहे हो तो बंदा हमेशा कोई भी आपकी लाइफ के बारे में सुनना ही चाहेगा पहली बात ये. बट उसको प्रेजेंट करने का वे भी होना चाहिए जिस तरीके से ये कर रहे हैं भाई. बहुत अमेजिंग थी. और ये छोटे भाई हैं, बाबू भी है, बड़े भाई हैं. और आज के इस मुकाम पे दोनों पूरी दुनिया ही जानती है. और कुछ लाइनें थी यार वो बहुत सही थी. माँ को लेबल्स के बारे में नहीं पता लेकिन कलमकार कौन है ये पता है. और बाप के पास सेंट्रो थी और आज बेटा घूमे ओडी में जहाँ पे
शीशे खोल दूँ वहीं पर भाई जाऊँ वहीं तक, क्या सही लाइन है। सो बाकी ये था सॉन्ग गाइस, इनके जो भी सॉन्ग अगर आप टेक्शन चाहते होंगे जरूर बताना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।